प्रयागराज की धरती पर नहीं आ पाए कि चयन बोर्ड के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के दर्द को सुने, उनकी समस्याओं को समझे और कोई त्वरित फैसला करें कि नहीं सीटों में वृद्धि कराएंगे या परीक्षा तिथि की घोषणा करेंगे। इसी वजह से आज हम सभी लोग डिप्टी सचिव साहब से मिले, उनसे अपनी बात रखे और उनसे वही पुरानी मांग फिर से की गई कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलिए या जो आपने पद विज्ञापित किए हैं 4163 उनकी परीक्षा तिथि की घोषणा करिए, क्योंकि इन दोनों में से या तो दोनों काम कर दीजिए या कोई एक काम करिए, क्योंकि प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश का बहुत परेशान है इस समय और उस एक टकटकी लगाए बैठा है चयन बोर्ड पर कि एक अदद नौकरी पाकर हम अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव से मिलने के बाद और जो उनसे वार्ता हुई है उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अभी चयन बोर्ड का रवैया बिल्कुल जो है ढुलमुल तरीके से है, कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 4 जनवरी 2023 से 11 बजे से अनवरत चलने वाला क्रमिक अनशन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट के सामने किया जाएगा और यह क्रमिक अनशन तब तक चलेगा जब तक चयन बोर्ड सीटों में वृद्धि या परीक्षा तिथि की घोषणा दोनों या दोनों में से कोई एक कदम नहीं उठा लेता। हम लोगों ने यह फैसला कर लिया है और उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों आप लोगों से अपील है कि आप लोग 4 जनवरी से यहां पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार अपनी मांगों को पाने के लिए, अपने मांगों को हासिल करने के लिए चयन बोर्ड पर बैठेंगे और यह क्रमिक अनशन को शुरू करने का जो है कार्य किया जाएगा। आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहां पर 4 जनवरी से 11 बजे से आना शुरू कर दीजिए। ये आपके अधिकार की बात है, मैदान जंग में उतरना होगा, हमें आपको लड़ना होगा। तमाम ऐसे मेरे भाई जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं, तमाम वैसी जगहों पे पढ़ते हैं, सब मेरे भाइयों से आग्रह है कि आप लोगों को आना होगा। चयन बोर्ड पर हम धरना देंगे, 4163 पदों की संख्या को बढ़ाएंगे और जो है परीक्षा तिथि की घोषणा कराएंगे। इन दोनों प्रयास में या तो हम अपनी जान देंगे या चयन बोर्ड को घुटने के बल झुकाने की कोशिश करेंगे। आप सभी भाइयों से आग्रह है कि 4 जनवरी से 11 बजे आप जो है चयन बोर्ड पर आइए, क्रमिक अनशन हम शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों के तरीके से करेंगे, आप लोगों का साथ ही हमारी ताकत है, बिना आपके कमजोर हो जाएंगे मेरे भाई। तो है मेरे भाई, निकलो निकलो अपने अपने घरों से 4 जनवरी को, आओ आओ प्रयागराज के अजीमोत्तरीन मुकद्दस जमी पर और चयन बोर्ड, वो चयन बोर्ड जहां से हमें एक नौकरी पानी है, उस चयन बोर्ड के अजीमोत्तरीन पवित्र जमीन पर बैठेंगे हम, क्रमिक अनशन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे, सीटों में वृद्धि और परीक्षा तिथि की घोषणा दोनों या दोनों में से कोई एक, इससे बिना कुछ भी कम मंजूर नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।